الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حاضرین کرام ہم لوگ جس دور کے لوگ ہیں اس میں عمل کا بھی فساد ہے عقیدے کا بھی فساد ہے عمل اور عقیدے کے فساد سے بچن نکلنے کا صحیح اور محکم سہارا کیا ہے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ہم ان کی پیروی کریں اللہ کریم نے ان کو سچائی کا معیار اور مینار قرار دیا ہے اور سورہ انفال میں ان کے متعلق کہا اولئک هم المؤمنون حقا جن لوگوں نے راہ مولا میں ہجرتیں کی ہیں جہاد کیے ہیں مال خرچ کیے ہیں جانیں خرچ کی ہیں اولئک هم المؤمنون حقا وہی صحیح معنوں میں حقدار مومن ہیں جن کے ایمان کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے اور یہاں پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ یہ انہی پر موقوف ہے یا آئندہ بھی یہ سلسلہ چلے گا فالسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے رہے وہ لوگ جو پہلے گزرے ہیں مہاجرین و انصار میں سے تھے اس میں جو ایک بحث آج کل چل رہی ہے کون افضل ہے اور کون مفضول ہے قرآن نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں یہ ترجمہ ابو بکر جساس نے کیا ہے ابو بکر جساس ایک انفی مذہب کے عالم دین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے لیگل اسپیکٹ پر سب سے پہلے کام کیا ہے
370 उनका सन वफात है। आप हजरात बातों पर तवज्जो दिया करें और ये मेरी तकरीरें रिकॉर्ड होती हैं, सीढ़ियां लेकर घर के खानदान के लोगों को भी सुनाया करें, देखा करें। अल्लाह का शुक्र है मैंने काफ़ी मेहनत की हुई होती है। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में जितने मसाइल के झगड़े चलते हैं, लोग मुझसे ये तवक्को करते हैं कि वो आएगा या हम उसके पास जाएंगे तो असल हकीकत खुल जाएगी। इसलिए मैं जब किसी किताब का नाम लेता हूँ तो भी उसका तारफ कराता हूँ, ये किताब किसकी लिखी हुई है। जिस मुसन्निफ का नाम लेता हूँ उसकी तारीख ज़िंदगी भी बताता हूँ, ये कौन से दौर का आदमी है, ताकि आप ये फैसला कर सकें कि ये जो झगड़े मिल्लत में शुरू हुए हैं, इनके शुरू होने से पहले का आदमी है या बाद का आदमी है। अगर पहले का आदमी है तो किस दर्जे का और किस पैमाने का आदमी इसको समझा गया है। अबू बकर जस्सास इल्मुल अहकाम में कुरान की वो तफसीर जो हुक्मों वाली आयतों से ताल्लुक रखती है उसको कहते हैं इल्मुल अहकाम। हुक्मों से ताल्लुक रखने से क्या माना है? जो किसी काम के करने या छोड़ने का हुक्म है, ये करना है ये नहीं करना, इस करने का सवाब होगा या इस करने का ना कोई सवाब होगा ना अजाब होगा, वो इल्मुल अहकाम के कहलाता है। है वो तफसीर है, लेकिन जिस जगह आ जाए अहकामुल कुरान तो आप ये समझें कि लिखने वाला ये समझा रहा है कि इस चैप्टर में अकीदे की कोई बहस नहीं होगी, अमल की बहस होगी, और अमल के दो ही हिस्से, या करना या छोड़ना। इन आयतों में या कुछ करने का हुक्म होगा या कुछ छोड़ने का हुक्म होगा। तो पहली किताब जो इस सब्जेक्ट पर लिखी गई है आलम इस्लाम में, तो उसका नाम है अहकामुल कुरान, और लिखी हुई है अबू बकर जस्सास की, जिनका सन वफात 370 है। अपने दौर में इनको लोग इमाम अबू नीफा कहते रहे। ये चंद वास्तों से इमाम अबू नीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले के शागिर्द हैं। उन्होंने ये तर्जमा किया अस्साबिकून अल अव्वलून। अस्साबिकून जो है ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, अल अव्वलून ये प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस है, यानी जो पहले हैं ईमान लाने में, मर्तबे में भी वही पहलू पहले हैं। और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हिजरतें की हैं और जिन्होंने मदद की है। आवनसरू, उन्होंने मुसलमानों को पनाह दी है और मदद भी की है। तो ये दो जुमरे बुनियादी तौर पर टिपिकल एग्जांपल हैं जिनको फॉलो करना है। या वो महाजरीन हैं, महाजरीन का नाम पहले लिया है इसलिए कि महाजरीन में जो दर्जे तकसीम हुए हैं वो अनसार उसको नहीं पहुंच सके। खलीफा भी महाजरीन में से हुआ है, जितने खुलफाए राशिदीन हैं वो सारे महाजरीन में से हैं, और बिलखसूस अल आइमत मिन अल कुरैश जो सरकार का फरमाना था, वो भी हर महाजर को ये मर्तबा नहीं मिला, बल्कि वो जो कि कुरैशी हैं। कुरैश होना ये अमल का नाम नहीं, ये नसब का नाम है। अमल की इस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के अपने आज़ा से सादर हो, वो उसका अमल है, और नसब जिनसे वो सादर हो। किसी के घर पैदा होने का नाम है नसब। जिस तरह एक चौधरी के घर चौधरी पैदा होता है, राजे के घर राजा पैदा होता है, सैयद के घर सैयद पैदा होता है, कुरैशी के घर कुरैशी पैदा हुआ होता है। तो फिर नसब कोई चीज़ होगी ना, इस वजह से फिर ये खिलाफत उनके अंदर महदूद रही। अगर नसब कंसीडरेबल मैटर ना होता, यानी किसी के घर पैदा होना ये काबिले तवज्जो बात ना होती, तो फिर ये कहना सही ना होता कि अल आइमत मिन अल कुरैश। कुरान ने कहा वो कौन है जो सबकत रखते हैं ईमान में भी और मर्तबे में भी, कहा वो महाजरीन में से हैं, अनसार में से भी हैं, और फरमाया कि वो लोग जो उनकी पैरवी करते हैं अच्छे तरीके से, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु,
ये ऐसा सर्टिफिकेट है कि हदीसे सही के अंदर आता है, जब आले जन्नत जन्नत में होंगे तो अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा जो इनाम मिलने वाला है वो रिदवानुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से राजी नामे का सर्टिफिकेट में मिलेगा कि अल्लाह तुमसे राजी है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं मेरे लिकाए मोहम्मद, अक्वाम आलम को जन्नत में पहुंचने के बाद रिजवानुल्लाह का सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को रजी अल्लाह तआला अन्हु वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। जिंदगी में ये सर्टिफिकेट सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया का खासा है। तो अब हम ये समझना चाहेंगे हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह ये जो आयत है ना, इसी के तहत औलिया अल्लाह के साथ आप रजी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं, गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, आप उनके साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं। ये अय्याम हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के भी, ज़करिया मुल्तानी के उर्स के भी, और आला फाजल बरेलवी के भी। आज की तारीख हम किसी भी अल्लाह के नेक बंदे को, जिसको जिंदगी में आप कह सकते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वफात के बाद भी कह सकते हैं, मरना जीना इसमें मौजूद गुफ्तगू नहीं है। तो आज हमें यह देखना होगा कि अकीदे का जो फसाद है किस तरह बचेंगे, कि पैरवी करेंगे खुलफाए राशिदीन की, पैरवी करेंगे आइम्मा आले बैत की, पैरवी करेंगे औलिया अल्लाह की, महाजरीन व अंसार जो गुजरे हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोबत मैसर आई है, जिनसे अल्लाह राजी होगा, उनके साथ हमारा रहना हमारी निजात का जरिया होगा। ये जो वलियों के हम दिन मनाते हैं, इसका एक मकसद साथ भी है। एक तो तनज़ुल रहमत इंदा ज़िक्र सालिखीन, अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है, यानी जिस हम जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाता है। कैसे वो कमाल बंदे होंगे जिनका जिक्र छेड़ो तो अल्लाह ताला की रहमत का साज छिड़ जाए। क्या बड़ी शान है उन लोगों की। हम किसी बादशाह का जिक्र करें तो ये बात मुयस्सर ना आए, किसी दौलतमंद किसी कुरान का जिक्र करो तो ये बात मुयस्सर ना आए, किसी बड़े से बड़े बहादुर आदमी का जिक्र करो तो ये बात अमल में ना आए, किसी बड़े से बड़े दौलतमंद का जिक्र करो तो ये बात अमल में ना आए, दाता साहब का जिक्र करो तो अल्लाह ताला की रहमतों का नजूल मौजे मारने लग जाए, गौसे पाक का जिक्र करो अल्लाह ताला की रहमत मौजे मारने लग जाए। उनकी खूबियां बयान करने से मुराद यह है कि उनके बारे में मोहब्बत को बरंगेख्ता किया जाए। इंसानी फितरत है, इंसानी तबीयत का रुझान कमाल की तरफ रागिब है, आदमी को किसी कमाल से मोहब्बत होती है। मुझे आप देखते हैं बॉक्सर कोई इबादत नहीं करते, लेकिन जो अच्छा मुक्का मार लेता है आपकी तबीयत उसकी तरफ मायले मोहब्बत हो जाती है, आपका जहन धड़ा महसूस करने लगता है, तो आप उसके बॉक्सिंग के दौरान खुद बल खाने लग जाते हैं, हालांकि लड़ते वो सामने हैं, दो बंदे कुश्ती लड़ रहे हैं, उनमें से जिस आदमी की बालादस्ती नजर आती है तो फिर किस्म के गेम है, आप उसकी तरफ मायले मोहब्बत हो जाते हैं। तो जब औलिया अल्लाह के वाकयात बयान किए जाते हैं कि उन्होंने ये बात की इस तरह सच्ची निकली, ये दुआ की कबूल हुई, उस आदमी का जहन सोचता है किस तरह कबूल हुई क्यों हुई, उनके आमाल बयान करने का मकसद यह कि तुम भी वैसे ही करो, नबूवत बंद हुई है, कमालात नबूवत नहीं बंद हुए, नबूवत के कमालात का जो फैजान है क़यामत तक औलिया अल्लाह के ज़ुमरे पर होता रहेगा, हत्ता कि हमारे उलमाए अकायद इस बात के ऊपर पूरा जज्म रखते हैं कि जो चीज़ किसी नबी के लिए बतौर मौजज़े के मुमकिन हो वो उसके वली के लिए बतौर करामत के मुमकिन होती है। हम जिस नबी के उम्मती हैं, कोई ऐसा मौजज़ा कायनात में नहीं है
जो किसी नबी को मिला हो और उसके मुकाबले में सरकार को उससे बेहतर ना मिला हो। यही वजह है कि उम्मत मोहम्मदिया की करामात बनिस्बत बाकी लोगों के बहुत ज्यादा है। क्यों? कि इनके अंदर जो नबी आए हैं सबसे ज्यादा मोइजात उनके हैं और मोइजात की हर किस्म हजूर की जात में पाई गई है। तो फिर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के औलिया अल्लाह जो हैं ये रूहानी फर्जंद होते हैं, जिसे बेटे को अपने बाप का विरसा मिलता है, इसी तरीके से हर उम्मती वली को अपने नबी के मोइजात का हिस्सा मिलता है। आप देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के गुमाश्ते कौम के पास गए थे, कौम के सामने उन्होंने जाकर दीन हक रखा, उन्होंने कहा कि कोई कमाल दिखाओ कि हम तुम्हें माने के तुम नबी के भेजे हुए हो। उनका हम जिस नबी के भेजे हुए हैं वो मुर्दे जिंदा करता है। उनका फिर मुर्दे जिंदा करके दिखाओ, तो उनके गमाश्तों ने भी मुर्दे जिंदा करके दिखाए। ये दलील है इस बात की कि जिस तरह का नबी और रसूल हो उस तरह के उसके वली होते हैं। उन्होंने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया। तो इसके बावजूद भी लोगों ने कहा मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, नहीं हो तुम मगर हमारे जैसे बंदे। इसका मकसद यह है कि इंसानी फितरत में ये कुबाहत पाई गई है कि वो कमालात देखने के बाद भी मानने का अपने आप को पाबंद नहीं समझता। जिन्होंने कहा चांद तोड़ के दिखाओ दिखाया ईमान नहीं लाए, सूरज मोड़ के दिखाओ दिखलाया ईमान नहीं लाए। इसी तरीके से बाद लोग औलिया अल्लाह की करामात देखने के बावजूद भी उसी के रास्ते पर नहीं आए। ये बात तो साबित हो गई है ना कि जिस तरह का नबी हो उस तरह के उसके वली होते हैं। जो नबियों में उसकी तरह है, जो उसका तरीक़ाकार है, जो उसका नमूना है, औलिया अल्लाह के ज़ुमरे में उसके मानने वालों में उस तरह के औलिया अल्लाह पाए जाते हैं। जैसे नबियों में वो एक नमूना होता है, इसी तरह उसके औलिया अल्लाह वलियों में उस तरह का एक नमूना होते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसिफ बिन बरखिया क्या करते थे, उन्होंने बिल्कीस का तख्त यमन के इलाके से उठाया और लिखा है साहिब रूहुल मानी ने मागाब अमजल से ही बल आता बे अरशहा ए दामन व ईजादन। हजरत आसिफ बिन बरखिया उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन तख्त बिल्कीस लाएगा? उस जिन बोला मैं लाऊंगा, आपकी निगाह बंदा नवाज अभी मेरी तरह मुतवजे होने पाएगी, मैं ले आऊंगा। तो अब उसके बल्कि कहा कि आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा, कहा यह देर है। उस वक्त वली को कहा गया काल लजी इन दो इल्म मिनल किताब, वो आदमी बोल उठा जिसके पास थोड़ा सा इल्म किताब था। अना आती अरशाह कबल आई इले के तरफ वली ने बतलाया ये राज असल में नबी की निगाह में है। आप निगाह तवज्जो फरमाएंगे तो आप निगाह तवज्जो की अमादगी जाहिर करेंगे तो उससे पहले ले आऊंगा। तख्त क्यों उठा के लाए? कि उनका जो नबी है गुदुब वो हाशार उमर वाको हाशार, वो फजा में तख्त उड़ाता फिरता है। तो जिस तरह का कमाल नबी और रसूल में है उसी तरह उसी से मिलता जुलता कमाल जो है वो वली में है। अब ये तो समझ में आ गई बात, जिस नमूने का नबी होता है उस नमूने के उसके औलिया अल्लाह होते हैं। सरकारी दुआ में अल्लाह के अंदर मोइज़ात का हर रंग मिलता है। ये क्यों बयान करते हैं? सरकार से मोहब्बत को बरंगे खता करने के लिए। मोहब्बत को आदत है कि कमाल से ताल्लुक रखती है, ऐब से ताल्लुक नहीं पकड़ती। कोई कभी ये नहीं कहेगा जब से आपका गंजा सर देखा है बहुत ही प्यार आता है, जब से लेकर आपकी कहानी आग देखी है। पर मिर्जे पर किसने कोई प्यार करे? उसको देखो तो उसका फोटो मैं नहीं दिखाना चाहूंगा, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो दिखाऊंगा। आप तमीज नहीं कर सकते इनमें महाराजा रंजीत कौन है और मिर्जा कादियानी कौन है, इस शक्ल के वो बंदे हैं। तो इससे पता चलता है जो नमूना नबूवत में किसी नबी का होता है वही नमूना वलियों में उसके वली का होता है। क्योंकि सरकारी तो आलम अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा कमाल नहीं जो कमाल तो कहलाता हो पर सरकार के पास पहले ना आया हो। बल्कि हद्दाद एक चोटी के दानिश्वर हैं, उन्होंने सदरे का आशिया लिखा है, उसके अंदर कहते हैं कि अगर इल्म गैब सरकार को न दिया जाता
तो इल्मे गैब वस्फे कमाल से मालूम हो जाता। किसी कमाल को कमाल कहलाने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिरी जरूर है। तो हम सिलसिला बसिलसिला ऊपर हजूर के मौजजात से शुरू करते हैं तो औलिया अल्लाह की करामात तक आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि मोहब्बत को जगाते हैं, मोहब्बत उनकी तरफ मायल हो। बंदा ये सोचे वो ये काम क्यों करके दिखलाते थे, उनका अकीदा सही था, उनका अमल सही था। तो मुद्दतों बाद, सदियों बाद, सरकार के बाद आने वाले औलिया अल्लाह का जिक्र हम क्यों करते हैं कि ये दरवाजा बंद नहीं। आज भी आप इस मजलिस में बैठे बैठे अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि मुझे आज के बाद अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए जिंदगी गुजारनी है, तो आज भी खुदा उसको वो इनामात करने के लिए तैयार है जो आज से 1000 बरस पहले हुए। तो इसका माना यह है, हम जब औलिया अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सब मुराद ये होगी मोहब्बत को जगाएं, क्योंकि कानवल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। संगतें बनाने का फार्मूला क्या है? अल मरउ मा मन हब, जिसको जिससे मोहब्बत है वो उस ग्रुप का आदमी है, उसको कयामत में उस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। यानी कितनी दूरी है सरकार में और आज के हालात में। लेकिन कुरान ये बतला रहा है कि जो उनकी पैरवी करते हैं वो उनके साथ के आदमी हैं। हजूर के हदीस इस पर मौजूद है, सरकार के एक सहाबी बुखारी शरीफ के दूसरे हिस्से में ये हदीस है कि बिस्मिल्लाह बुखारी जी के दूसरे हिस्से में हदीस है, सरकार का फरमाना है कि एक सहाबी पूछते हैं मतसात या रसूल अल्लाह अज़म, हजूर फरमाइए कि कयामत कब आएगी। कहा बात वो पूछो जो तुम्हारे मतलब से मुतालिक हो, जो तुम्हारे लिए मुफीद माना हो, जिससे मुराद कुछ ना निकले वो सवाल नहीं करना चाहिए। और मा आदत तलहा, कयामत की डेट मालूम होना ये मकसद की चीज़ नहीं। मकसद चीज़ क्या है कि कयामत जब आएगी तो होगा क्या और उसमें हम सुरखरू किस तरह होंगे, ये मकसद की चीज़ है। डेट मालूम करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब मा आदत तलहा, उसके लिए तैयारी की क्या की है। अब सहाबी वो समझता है कि हजूर ने पूछा है कि आमाले सालखा क्या किए हैं। कहते मा आदत मिन कसीर सलातिम वला सौमिन वला सदका, या रसूल अल्लाह सल्लम मैंने क़यामत के लिए ना कोई ज़्यादा रोज़े रखे हैं, ना कोई ज़्यादा नमाजें पढ़ी हैं, ना कोई अमाल सालखा किए हैं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन खुदा और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। आपने फिर घबरानी अलमरओ मा मन हब, रूलिंग दे दी, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी उम्मत के लिए है, जो जिससे प्यार करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। अब हम औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं कि उनकी मोहब्बत रखो, इस पर तो आपका कुछ खर्चा नहीं आता। सरकारी बगदाद बगदाद शरीफ में जलवा फरमा है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में शरीफ में जलवा फरमा है, सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा और रशा के इलाके में आपका मज़ार पाक है, सैयद अबुल हसन शादरी हसनी रज़ी अल्लाह तआला उनका मज़ार मिस्र में है। ये मुख्तलिफ मुल्कों में ये औलिया अल्लाह के ज़ुमरे हैं, लेकिन आज भी अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो आप यकीन रखें कि आपको अल्लाह ताला मौका अता फरमाएगा कि आप उनके साथ उठें। समझ आई है कि वलियों का जिक्र हम क्यों करते हैं कि मोहब्बत को जगाएं। चलो मैं इंतहाई गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं हज़रत अबू सिद्दीक से मोहब्बत रखता हूँ, फारूक आज़म से मोहब्बत रखता हूँ, उस्मान गनी से मोहब्बत रखता हूँ, मौला मुर्तज़ा से मोहब्बत रखता हूँ, हसन हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, शहीदान दश्ते करबला से मोहब्बत रखता हूँ, तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ। मुझे यकीन रखना चाहिए मैं जिनके साथ मोहब्बत रखता हूँ उनके साथ मैं उठाया जाऊँगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला इस बारे में अकीदा देते हैं, कहते हैं सहाबी ने जब ये बात की तो उन्होंने अपने आमाल का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत का जिक्र किया। तो मोहब्बत में ये बात छिड़ती है जी पैरवी भी करते कि नहीं। का अगर मोहब्बत हो सच्ची, अगर पैरवी करे तो मोहब्बत की सच्चाई और वाजे हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत को झूठा किसी हालत में नहीं कहा जाएगा। मोहब्बत को झूठा कहने का कोई जवाब नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर सहाबी वो सिद्दीक नहीं है,
मगर हर सहाबी सहाबी है, हर सहाबी जन्नती है, और जन्नत जो है सरकार की मैयत का जरिया है। सरकार जन्नत में होंगे, वो भी जन्नत में होंगे, लेकिन उसके लिए अमाले सालखा शर्त नहीं करार दी। तो हर सहाबी सोबत भी समझ आई है, क्या अजीब बात है। बुखारी शरीफ के मतन के अंदर हदीसे कुदसी है, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे यूं फरमाया कि मलाइका सयाहीन इसलिए पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। क्यों चक्कर लगाते हैं? क्या ये देखने के लिए कि बंदे के सामने रब ने सीधा करवाया है, बंदे में खूबी क्या है। उनको कहते हैं मलाइका सयाहीन। इस हदीस पर किसी को एतराज नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से हदीस रावी हैं, घूमते फिरते मुख्तलिफ ग्रुप से आते हैं पूरी दुनिया में, जिस जगह कुछ मिल के बैठ के जिक्र इलाही कर रहे होते हैं वो फरिश्ते वहां खड़े हो जाते हैं, तो दूसरी टीमों को कहते हैं हुलूमू हुलूमू इला मुरादिकुम, तुम अपने मुराद की तरफ आओ, यानी वो लोग मिल गए हैं जिनकी तलाश में हम थे। फरिश्तों आसमानों की बुलंदी कहाँ और तुम्हारा तकद्दस और तहारत कहाँ? तुम मिल के जिक्र करने वाले, कभी गफलत न करने वाले, आज बंदे की तलाश में क्यों हो? कहा बंदे के जिक्र की कीमत और है। कोई फरिश्ता सारी कायनात का सरदार नहीं, बंदों में से एक शख्स आया है जो पूरी कायनात का सरदार। क्या इसके अंदर जो दर्द दिल है ना, आहों ने मेरी अर्श का पाया हिला दिया। मियां साहब फरमाते दर्द मदा दिया आही सुन के कमदा अर्श इलाही। इसके अंदर जो दर्द और जौक है ना, ये फरिश्तों में नहीं है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था नदानत जिब्राइल आओ हूरा के नशन असद मकाम है जस्तजूरा, के जिब्रील को ये तम तराक, ये सोजो गुदास, ये कैफो सरूर, ये विजदानियत और मैवियत फरिश्ते को हासिल नहीं जो हजरत इंसान को हासिल है। ये जगह जगह मोहब्बत को मुश्किलात के कांटे दामन से उलझते हैं, वो कांटों को निकालता और सफर को जारी रखता है। पाँव में चुभे हुए कांटे सर से जा निकलते हैं, लेकिन वो अपनी जुस्तजू से बाज नहीं आता। ये उसका जो जौक है, ये फरिश्तों पर सबकत रखता है। इस वजह से आसमान के रहने वाले बंदे का जिक्र तलाश करने के लिए जमीन पर आते हैं। अब हम क्यों कहते हैं उनके साथ रहो, उनके पास रहो, उनके साथ मिलकर रहो? हदीसे कुदसी है, फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसे तय बताया एक दूसरे के ऊपर, जैसे छाते नहीं लगे होते, एक नीचे छाता है एक उसके ऊपर छाता है, करते करते अर्शे इलाही तक वो सफे बन जाती हैं, छाते बन जाते हैं। क्यों? बंदगाने खुदा का जिक्र सुनने के लिए। जब आप जुमे में आए हुए हैं ना, अब मैं यहाँ कुछ आपको खिलाता पिलाता नहीं हूँ, सिर्फ आपके बैठते हैं, अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, अल्लाह के पाक बंदों का जिक्र करते हैं, आप उससे कैफ और सुरूर महसूस करते हैं। ये इज्तिमा की शक्ल है, इस तरह मिल के बैठना इसकी कीमत है। उस रब्बे करीम पूछ रब से अर्ज करते वाला करीम तेरे कुछ बंदे पाए हमने, वो बैठे हुए मिल के जिक्र कर रहे थे, का को खाने पीने का बंदोबस्त था? का नहीं, सिर्फ जिक्र इलाही था। क्या जिक्र कर रहे थे? का यू हम बिदू न का मौला करीम तेरी हमद बयान करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, यू सब बेहू न का वो तेरी तस्वीर बयान करते सुबहान अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह है, वो यू कब बेरू न का तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। तो वो जिक्र इलाही का युमज्जिदू न का वो तेरी तमजीद बयान कर रहे थे, यानी अल्लाह अल्लाह की जात पाक मजीद है, बरकत वाली है, अजीम है। मौला करीम उनको हमने देखा है इस तरह जिक्र करते हुए, का मा कानू यस अलून वो क्या मुझसे मांग रहे थे, का यस अलून कल जन्ना ए मौला करीम आपसे जन्नत मांगते थे, का उन्होंने हल रहा क्या उन्होंने जन्नत देखी हुई है, का एक ईंट के बदले में एक महल के मिलने की बहस जो है ये कितना बड़ा यकीन है। यहाँ किसी को एक पाउंड मांगे कि आप एक पाउंड दें इस्लामाबाद में आपको कोठी देंगे, कितने बंदे उसको एक पाउंड उठे देंगे? नहीं देंगे ना।
जिस वक्त तक ये यकीन हो जाए कि सच में कोठी मिलेगी, ये कितना बड़ा एतमाद है कि रब करीम के बारगाह में जाने भी खर्च करते हैं, माल भी खर्च करते हैं, और सिर्फ इतनी बात है कि एक कोई जगह है जो खुदा के इल्म में है, हमें उसका इल्म नहीं, उसका नाम जन्नत है, वो जन्नत मांग रहे। उनका क्या रहा? उन्होंने जन्नत देखी हुई है? कहा जन्नत देखी हुई तो नहीं, कहा अगर देखी होती तो, कहा देखी होती तो फिर बहुत ही ज्यादा उस बारे में मेहनत करते। कहा और क्या कह रहे थे? उनका ये था वजून मिन नार, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। रब पूछता है कि क्या उन्होंने जहन्नम देखा हुआ है? ये जहन्नम देखा हुआ तो नहीं। कहा अगर देखा होता तो, कहा फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते और बुराइयों से बचते। अल्लाह करीम कहते हैं कि ऐ फरिश्तो, जब उन्होंने मुझे भी नहीं देखा, मेरी जन्नत भी नहीं देखी, मेरी सजा का कैद खाना भी उन्होंने नहीं देखा, तो इस एतमाद पर कि मेरे महबूब ने उन्हें कहा है, वो इतने देर दूर से आते हैं, इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, जिक्र इलाही करते हैं, मेरी तस्वीरें बयान करते हैं, फरिश्तों तुम तो इसके बगैर जी नहीं सकते। वो आदमी रोटी खाता है उसको नींद आती है, वो आदमी कहता है हाजत के लिए जाता है, वजू तोड़ना पड़ता है, वजू न्याय करना पड़ता है, हजारों उसके वारिसात हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका खानदान है, खानदानी जिम्मेदारियां हैं, इन सब जिम्मेदारियों से दामन छुड़ा करके वो आता है। गवारा हो इस बात के, फशादू अन्नी गफरतु लहुम, मौला करीम फरमाते हैं कि ऐ फरिश्ता इस बात के गवारा हो कि मैंने उन सब बंदों को माफ कर दिया। और फरिश्तों में भी मुख्तलिफ मिजाज के फरिश्ते हैं, कुछ उनमें भी इस तरह के टशी हैं जो कहते मौला करीम जो जिक्र के लिए आए हुए थे वो तो चलो मगफरत के हकदार कर रहे थे जिक्र, कुछ ऐसे थे जो जिक्र के लिए आए नहीं थे। सौदे वाला शॉपर पकड़ा हुआ था, बाजार में जा रहे थे, इधर उन्होंने भिनक पड़ गई कि जिक्र हो रहा है, वो आ गए बैठ गए। रब कहता मैंने उनको भी बख्श दिया। कहते मौला करीम न वो नीयत से आए थे न वो जिक्र कर रहे थे, फिर तुम्हें ये पता नहीं ला यशका जलीसोहम, जो उनके पास बैठे वो बदबख्त नहीं रहता। बामोहिबा बाश दाएं हम नशी, बामोहिबा बाश दाएं हम नशी, तासवानी रूए आदारा मुबी। समझ आई ये बात कि और ये अल्लाह का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि आपको शौक पैदा हो, उनसे मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत के आमद में क्लासिफिकेशन में मदद करने वाली चीज है, ये सर्टिफिकेट है। जिस जिसने अल्लाह से और आले मोहब्बत से मोहब्बत की क़यामत के मैदान में उसी जुमरे में उसको खड़ा किया जाएगा। तो ये जिक्र और ये वाज इस अमर का मुफीद है कि आपकी क्लास बनाई जाए जो बंदगाने खुदा की क्लास समझी जाए, और आप उसमें जिक्र फिक्र करें, और उसकी वजह से आपका शुमार क़यामत के मैदान में ज़ाकिरीन में हो। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे, और जितने भी जुमरा है और ये अल्लाह हैं सबसे मोहब्बत नसीब करे। ये चंद एक जरूरी ऐलानात है, मुझसे बात बनवा लीजिए।